आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने हाफ के जी अरबी ले लिया है। सबसे पहले मैं इसका कवर उतारूँगी, इसे छीलूँगी। ये सारे कवर मैंने उतार दिए हैं और इसको मैं अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। ऐसे अब मैं पतले पतले काट के रख लूँगी। सारे कट हो चुके हैं। चलिए इसे मैं मिला देती हूँ। साल्ट 1 स्पून, टर्मरिक पाउडर 1 स्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 स्पून। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इसे हम मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चलिए अब हम इसका प्रिपरेशन करते हैं। मैंने कढ़ाई चला दिया है। इस पर पहले सबसे पहले हम अरबी को फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने 5 to 6 स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ अरबी। इसे हम फ्राई करेंगे 5 मिनट तक। देखिए अच्छे से फ्राई हो रहा है, इसका कलर चेंज हो गया है। ये फ्राई हो चुके हैं। चलिए अब हम ग्रेवी बनाते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। इसमें मैं डालूंगी 4 to 5 स्पून ऑयल। वन स्पून जीरा, तेजपत्ता, ये 2 ऑनियन थे बड़े जिसे मैंने चॉप कर रखा है, इसे डाल रही हूँ। अब इसे हम भूनेंगे, फ्राई करेंगे जब तक कि उस ऑनियन का कलर चेंज ना हो जाए। इसे गुलाबी होने तक हम फ्राई करते रहेंगे। ये फ्राई हो चुका है। इसमें मैं डाल दे रही हूँ जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट 1 स्पून। इसे हम 2 मिनट फ्राई करेंगे। चलिए इसमें डाल देती हूँ मसाले। 1 स्पून जीरा पाउडर, 2 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून साल्ट, 1.5 स्पून रेड चिल्ली पाउडर 1 स्पून साल्ट, 1.5 स्पून इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं डालूंगी टमाटो, 2 टमाटो था जिसे मैंने चॉप कर लिया था। अब इसे हम फ्राई करेंगे अच्छे से। ये तब तक भुनेंगे जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से पक ना जाए। ये मैं डाल रही हूँ 1 पिंच ब्लैक पेपर। इसमें 1/2 कप मैं पानी रख दूंगी जिसे अच्छे से हमारा मसाला जो पक जाए।
कि मसाला फ्राई हो चुका है। अब इसे मैं डाल ली हूँ हाफ बाउल कर्ड दही और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 5 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे, भुनेंगे। देखिए मसाले का टेक्सचर ही एकदम चेंज हो गया है। इसे मैं डाल दे रही हूँ अरबी। इसे हम 4 से 5 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। मैंने हीट को मीडियम पे रखा है। चलिए इसमें हम डाल देते हैं अब पानी। पानी मैंने यहाँ पे 2 गिलास से कम ही डाला है। इसमें मैं लीड लगा देती हूँ, इसे कवर कर देती हूँ और 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ मीडियम हीट पे। 15 मिनट हो चुका है, चलिए देखते हैं। देखिए कितना इसमें खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। इसमें मैं डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी 1 स्पून, गरम मसाला 1 स्पून, इसे हम 3 से 4 मिनट और पकाएंगे इसे। देखिए अच्छे से पक गया है। इसमें मैं डालूंगी धनिया पत्ता। ये सब्जी बनकर रेडी है एकदम से। चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।